धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड चाहते हैं और क्यों कर रहे हैं? देखिए, आर्य समाज एक विश्वव्यापी बहुत बड़ी संस्था है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो देश और दुनिया और समाज को दिया है वो अकल्पनीय है। उनकी इस देन को या उनकी बातों को या उनके द्वारा दी गई मान्यताओं को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाना उनके प्रति एक बहुत बड़ा अपमान है। अरे सनातन जगत के हमारे सम्माननीय सन्यासी आचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी ने पिछले दिनों हरिद्वार के एक टॉक के अंदर अपनी बातचीत में कथा के दौरान ये बोल दिया कि महर्षि दयानंद से बहुत भूले हुई हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने महाभारत और रामायण को काल्पनिक बताया। ये अपने आप में इतना बड़ा आरोप है, इतना बड़ा मतलब गलत चीज है जो महर्षि दयानंद के भावनाओं को और उनकी कार्यों के प्रति एक तरह से बहुत बड़ा अपमान है। पूरे आर्य जगत का, करोड़ों आर्य समाज की जनता जो पूरे देश और दुनिया में रहती है, उन्हीं को देखकर के सब में रोष हुआ कि स्वामी रामभद्राचार्य जी को हम अपनी बात पहुंचाए। उन्होंने हमने पहुंचाई भी, पत्र भी लिखे और वीडियो बना के भी भेजे कि आपने जो कहा है वो पूरी तरह से गलत है, किसी भी रूप में वो सच्चाई नहीं है। उससे विपरीत महर्षि दयानंद सरस्वती ने महाभारत और रामचरित वाल्मीकि रामायण को आदर्श ग्रंथ बताया और वो पढ़ने की प्रेरणा दी कि हर बच्चे को पढ़ना ही चाहिए। एक तरफ जहां ऋषि दयानंद उन दोनों ग्रंथों को अनिवार्य पढ़ने के लिए कह रहे हो और दूसरी तरफ ये एक सन्यासी उनके बारे में ये विपरीत बातें फैला रहे हो, तो उसका रोष होना स्वाभाविक था। उसी रोष को प्रकट करने के लिए आज यहाँ पर आए थे कि आज वो अपनी माफी मांगे। और धर्मगुरु भी हैं, ये सारे इतने सारे जितने भी धर्मगुरु यहाँ पर अलग अलग संप्रदायों से भी यहाँ पर उन सभी के वो सब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि प्रशासन ने संसद चलने के नाते से छोटी सी अनुमति दी थी शॉर्ट टर्म की, लेकिन ये पूरी देश में चल रहा है पूरी तौर पर कि स्वामी रामभद्राचार्य जी को उन्होंने अपनी वीडियो हटा दी। अगर वो अपनी बात पे कायम थे तो फिर वीडियो क्यों हटाई? उसको वीडियो को ना हटाते, चलने देते, बहस होने देते, लेकिन उन्होंने चाह करके सोच करके वीडियो हटाई है। तो अगर ये कह दें कि मेरे से भूलवश गलती हुई तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक भविष्य के लिए अच्छाई होगी। मेरा हमारा आज कहना उनसे इतना ही था कि वो अपने शब्दों को वापस ले लें। हम माफी शब्द नहीं कहेंगे, क्षमा भी नहीं कहेंगे, वो बड़े हैं, सन्यासी हैं, उनसे माफी मंगवाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य इतना है कि गलत बात समाज में जिंदा न रह जाए, उसको वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य जी से आज इन सब लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर के इतनी ही मांग की है। पत्र के द्वारा भी हम कर रहे हैं, ईमेल के द्वारा भी कर रहे हैं और अन्य साधनों के द्वारा भी करेंगे। हो जरूरत पड़ने पर उनके पास मिलने के लिए भी चित्रकूट जाएंगे, ऐसा विचार सभी लोगों ने किया है। सर, जिस प्रकार से आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अन्य किसी स्थान पर भी आप? पूरे देश में हुए हैं, पूरे देश में हुए, अलग अलग स्थानों पर डीएम को एसडीएम को वो पत्र दिए गए हैं उन तक पहुंचाने के लिए, ताकि ये बातें उनकी तक पहुंचाएं, उन तक पहुंची। अगर ना पहुंची होती तो अपने वीडियो को क्यों हटाते सोशल मीडिया से? इसलिए केवल इतना कह देने से उनका कद बढ़ेगा ही कि वो अपने इस जो उन्होंने बोला है उसको वो वापिस लें। यही निवेदन आप सब लोगों ने, नौजवान संख्या में काफी सारे खड़े हैं, उनको मालूम है कि जो उन्होंने बोला वो पूरी तरह से इतिहास के तथ्यों के विपरीत है। संदेश, कुछ मैसेज यही है कि ऋषि दयानंद इस देश की संपदा थे। ऋषि दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत ज्यादा कुछ दिया है। पहली गौशाला उन्होंने खोली इस देश की, पहला अनाथालय उन्होंने खोला, नमस्ते इतना शानदार शब्द दुनिया में आज प्रचलित है। उनको देन केवल अगर है आज के समय में तो ऋषि दयानंद की देन है। स्त्री शिक्षा के लिए जो डीएवी कॉलेज, डीएवी स्कूल, लाखों संस्थाएं, अनाथालय, गुरुकुल, कन्या गुरुकुल जो उन्होंने खोले, स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा, विधवा विवाहों को शुरू करना, ना जाने कितने काम ऋषि दयानंद ने किए हैं। अगर आप उन कामों को नहीं गिनाना चाहते स्वामी जी महाराज, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उनके बारे में विपरीत बातें ना कहें, ये तो आपसे हमारी अपेक्षा होगी ही। और कह दी गई किसी कारण से भूलवश, तो मुझे लगता है उसको वापस ले लेने में समाज के सामने एक अच्छा संदेश ही जाएगा, यही हमारा आज निवेदन। संजय जी, जिस प्रकार से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं स्वामी राम भद्राचार्य जी के जो वक्तव्य के विरोध में, जी क्या ऐसा उन्होंने, क्या ऐसा आपको लगा कि भी चीजें गलती वश से निकल गई है, क्या ऐसा लगा कि आप लोग प्रदर्शन के लिए? जहाँ तक मैं राम भद्राचार्य जी के बारे में जानता था, अब तक बहुत बड़े सन्यासी हैं और मैं उनके मुंह से इतनी बड़ी विरोधाभास की आर्य समाज के खिलाफ या बिना जाने आर्य समाज को बिना पढ़े, सत्यार्थ प्रकाश को बिना पढ़े इतनी बड़ी टिप्पणी करना, मेरे विचार से एक इतने बड़े सन्यासी को शोभा नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, इतने बड़े सन्यासी को इतनी बड़ी टिप्पणी बिना किसी सोचे समझे, ये बिना किसी सोचे समझे ही हो गया।
क्योंकि आर्य समाज को जाने बिना आर्य समाज इतनी बड़ी बात करना, मतलब इस प्रकरण में मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा राम जी, मैं सबसे पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने बात कही है बिना किसी साक्ष्य के, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है। क्योंकि अगर वो इस बात को कहीं पढ़ करके बताते, कोई रेफरेंस देते, किसी अध्याय का नंबर बताते या कोई कोई लाइन बताते कि वहाँ पे उन्होंने कही है, तो मैं समझता हूँ कि वो कभी ऐसे ही इस तरह की बात नहीं कर सकते थे। पर क्योंकि उन्होंने पढ़ी है नहीं, कहीं से सुन ली है कि आर्य समाज वाले भगवान को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, ऐसी बातें समाज में आती रहती है बार बार, तो आर्य समाज इन बातों का उत्तर भी देता है। क्योंकि हम रामायण से उन बातों का उत्तर देते हैं, महाभारत, क्योंकि महाभारत को तो पांचों वेद मानते हैं। जितने भी आर्य समाजी लोग हैं, ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं, वो महाभारत को पांचों वेद मानते आए हैं। सर, जिस प्रकार से जब आपने ये चीजें सुनी, तो उस टाइम का आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा? हाँ, हमें बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर के, क्योंकि अब एक झूठ बात को जब सुनता है, आदमी सत्य बात को सुनता है, तो जाहिर सी बात है उसको दुखी होगा, चाहे कोई भी है। तो हम पहले से सत्यार्थ का आश्रम पढ़ते आए हैं और लोगों को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और उसमें लिखा है रामायण महाभारत आदि शास्त्रों को पढ़ने का उन्होंने प्रेरणा दी है तीसरे अध्याय में, जिसको तीसरे समुल्लास बोलते हैं, जहाँ पर उन्होंने पठन पाठन की बात कही है, वहाँ पर उन्होंने रामायण महाभारत वेद उपनिषद और दर्शन आदि को पढ़ने की बात कही है, तो वहाँ पर रामायण महाभारत का नाम लिया है। हम इसको काल्पनिक कैसे बता सकते, ऋषि दयानंद काल्पनिक कैसे बता सकते थे? जो भद्राचार्य जी ने जो अपना ये विचार दिया है, और वो अपने मंचों से उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत अब ये एक मुद्दा बना लिया है, जिस मंच पे भी वो जाते हैं वो आर्य समाज का नाम लेकर के कहीं ना कहीं उनके प्रति जो है ना ऐसे भाव, उल्टे भाव पैदा कर रहे हैं, समाज के बीच में असमंजस पैदा कर रहे हैं। उनकी जो आयु है, उनकी जो विद्वत्ता है, एक सन्यासी का जो उनके पास पद है, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए उनको इस प्रकार के जो है ना अभद्र और ऐसी काल्पनिक बातें अपनी तरफ से बनाकर ना कहें। ये ऋषि दयानंद ने कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है रामायण और महाभारत काल्पनिक है। इसके लिए हम आज इस जंतर मंतर के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से उनसे ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, और भारत सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि इसी तरह से अगर हमारे ऋषि दयानंद के ऊपर लांछन लगाते रहे, तो आर्य समाज फिर कुछ आगे करने के लिए तैयार है। और हम आगे करने के लिए मतलब क्या करेंगे आप? हम पहले तो उनको हम ये चैलेंज करते हैं कि वो हमारी पहली परंपरा रही है कि हम शास्त्रार्थ करके हम उनके बीच में उनको चैलेंज करते हैं, हमारे विद्वानों से वो शास्त्रार्थ करें कहाँ पे हम गलत हैं। क्या फिर आपने कोर्ट भी? हाँ, हम इसके लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे और हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। मेरा नाम हरिश्चंद्र शास्त्री है, आर्य समाज का काम करता हूँ बचपन से, हरियाणा पलवल से हूँ मैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने जो वक्तव्य में अपने बोला है? पिछले 20 जुलाई को एक कथावाचक है राम भद्राचार्य, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया है। वो कहते हैं रामायण और महाभारत को स्वामी दयानंद सरस्वती काल्पनिक मानते हैं, ये उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका। मैं राम भद्राचार्य के इस बयान की निंदा करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपनी बात को सत्य सिद्ध करें। आपने कहां से सुना, कहां से पढ़ा, उस बात को आम सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें, और यदि आप नहीं दिखा पाते हैं तो फिर आप माफी मांगें, और नहीं माफी मांगते हैं तो हमसे शास्त्रार्थ करें। उनको शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं। जितने भी स्वामी दयानंद उनके ग्रंथ हैं, उन्होंने कहीं भी रामायण महाभारत को काल्पनिक नहीं किया है। न जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें कोई शौक नहीं था जंतर मंतर के ऊपर आकर के धरना प्रदर्शन करें। वो नहीं इस बात से माफी मांगते हैं तो यहाँ हजारों लाखों की संख्या में आर्यों को इकट्ठा करेंगे, उनके दरवाजे पर चित्रकूट जाएंगे, उनको हर हालत में अपनी बात सिद्ध करनी पड़ेगी, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। आपका नाम? हरिश्चंद्र शास्त्री।